वीडियो की शुरुआत में आपको एक वार्निंग दे दूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें जो तीन बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इन तीन बातों को आपने फॉलो कर लिया तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यार जो भी मेन चीज़ें होती है ना, हर बच्चा जो गलती करता है, हर बच्चा जो मिस्टेक करता है, इन चीज़ों में वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। तो इस वीडियो को शांति से देखना, और देखना ही नहीं बल्कि अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहे। और मैं तो बोलता हूँ कि हिस्ट्री के नोट्स में चिपका लेना साथ में अपनी दीवार पर कि मेरे को ये तीन चीज़ें तो करना ही है, चाहे मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन तीन चीजें मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मेरे को इनको करके चलना है। अगर आपने इसको सीक्वेंस वाइज किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस में चीजें बता रहा हूं आपको। तो ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना वीडियो को। तो यार देखो, सबसे पहला जो पॉइंट अपना है, वो सबसे पहला पॉइंट है अपना क्लास। क्लास का पॉइंट का मतलब क्या समझ रहे हो इस चीज़ से? इस चीज़ का मतलब ये होता है कि यार देखो, सबसे पहले हर बच्चा क्या करता है ना, सेल्फ रीडिंग करने लग जाता है, मैं खुद से पढ़ लूंगा बायो को, केमिस्ट्री कुछ चैप्टर में खुद से पढ़ लूंगा। तो ये वाली सबसे बड़ी गलती होती है। अपने को क्या करना है, सबसे सिंपल चीज़ की पहली बात, अपन को क्लास लेना है। अगर आप क्लास करेंगे डेली, उसके बाद पता है आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि यार क्लास इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे पता है आपको कितनी बड़ी मिस्टेक होती है कि जो बच्चे पूरे एग्जाम दे रहे हैं, 23-24 लाख 25 लाख जो भी एग्जाम देंगे 24 का, उसमें से ध्यान रखना आप लोग, केवल और केवल जो भैया आपके सामने जो 80% जो बच्चा है ना, टोटल बच्चों में से 80% बच्चा ही प्रॉपर क्लास ले पाता है पूरे साल में। बच्चे क्या करते हैं ना, फर्स्ट के 2-3 महीने क्लास लेते हैं, उसके बाद क्लास छोड़ देते हैं। ये वाली सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्लास करना है, पूरी क्लास करना है, टीचर से आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ये सबसे मेन गलती होती है। क्योंकि यहाँ पर ही 20% बच्चा बाहर हो जाता है, तो आपको क्लास करना ही है बहुत शांति तरीके से। जब आप क्लास कर लेंगे तो सेकंड सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन की, मतलब रिवाइज करने की चीजों को। रिवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग क्लास करके घर आए, घर आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया आज के दिन में, उस क्लासेस को डेली जो आपके नोट्स बने हुए हैं, वो नोट्स को एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी समय लगता है उसमें आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपको रिकॉल करनी है वो रिकॉल हो जाएगी, और कभी कभी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होगी जो आपको क्लास में समझ में तो आ रही थी, लेकिन घर आके आपको पता चला कि यार चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो आपकी जो कमजोरी, आपकी जो वीकनेस, वो भी आपको पता चलेगी। तो सबसे मेन चीज होती है कि रिवाइज घर पे आके आपको करना है। यहाँ पर जो बच्चे 80% क्लास करते हैं भैया, यहाँ पे केवल 60% रह जाता है, मतलब यहाँ भी 20% का माइनस हो जाता है। 20% बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, घर पे आके रिवाइज नहीं कर पाते हैं, केवल क्लास करके आके उसके बाद वो घर पे पढ़ाई नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसके बाद यहाँ तक भी बच्चा कर लेता है कि जैसे क्लास कर लिया, घर आके रिवाइज कर ले, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो आती है बच्चों के लिए और सबसे बड़ा टास्क भी होता है कि वो घर आके अपनी जो रिवाइज करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ आके तो आप लोग खुद भी फील कर पाएंगे कि आप लोग भी ये वाली गलती करते कि नहीं करते। क्लास कर लेते हो आप, रिवाइज भी कर लेते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करने में अपनी जान निकल जाती है। प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉपी के क्वेश्चंस उठा लिए, कॉपी के क्वेश्चन उठा के उन क्वेश्चंस को आप आराम से केवल ऐसे करके कॉपी सामने रख के उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन इससे काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ में क्वेश्चन को अपनी पेपर कॉपी लेके आपको कॉपी में शांति से एक एक चीज को सोल्व आउट करना है। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, और सिलेक्शन के चांस उतने ही कम हो जाएंगे आपके जितनी आप सोच रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिस है, यहाँ पर भैया जो 60% बच्चा है, ये 60% में से लगभग 40% बच्चा ये वाली चीजें कर पाता है। देख लीजिए डिक्रीजिंग का कितना ऑर्डर चल रहा है, चीजें डिक्रीज होती जा रही है। तो आपको इन तीनों स्टेप को ध्यान रखना है। तीन चीजें मैंने बोली आप लोगों को कि इन तीन चीजों को आपको बहुत शांति से करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज और मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर ये तीन चीज आपने बहुत अच्छे से कर ली, क्योंकि 60% बच्चा तो यही बाहर निकल जाता है, उनसे प्रॉपर क्लास होती नहीं है, रिविजन होता नहीं है, प्रैक्टिस तो इसमें होती नहीं, यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन जो बच्चा प्रॉपर यहाँ तक तीन चीजें फॉलो कर लेता है, वो बहुत अच्छी पोजिशन पे होता है, अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी होते हैं उनके। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तीन चीजें करने के बाद भी सबसे लास्ट चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज नहीं कर पाता है, और यही चीज होती है जो आपका सिलेक्शन को डिसाइड करती है। अगर आप लोगों ने ये वाली चीज करी, इसका मतलब है कि इन तीन चीजों के बाद में चार चीज नंबर की यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप इन तीन चीजों को नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी जो सीढ़ी आपकी ये तीनों चीजें, अगर आपने तीनों चीजें बहुत परफेक्टली करी, इसके बाद में ये सबसे बड़ी सीढ़ी होती है कि ये वाली चीज आपको कर लेना है। और यहां तक ध्यान रखना,
बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं परफेक्ट डाटा बता रहा हूँ आपको कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते केवल 10% बच्चा ही ऐसा है जो सारी स्टेप को फॉलो करता है। पहले 3 स्टेप फॉलो करता है, उसके बाद 4th नंबर की चीज आती है कि 3-4 बार रिविजन पूरे साल में, उसके बाद प्रॉपर क्लासेज वगैरह, टेस्ट वगैरह, ये वाली चीजें। तो इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाली चीज आपने ध्यान में रखी इसका मतलब है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने लाइन टू लाइन ये वाली चीजें आपको करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको मैं लिख देता हूं एक बार, यहाँ पे 60% है और यहाँ पे 30% है। ओके जी, केवल 10% बच्चा ये जो यहाँ तक पहुंच पाता है, और जो यहाँ तक पहुंच जाएगा और डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा नीट में। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तक सिलेक्शन उसी का होगा जो इन चारों चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। ये 3 चीजें जो मेन है, कोर चीज है, इनको करने के बाद में ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इन 3-4 चीजों का ध्यान रख लेना, अगर इनके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वो उसकी गारंटी मैं देके दे रहा हूँ आप लोगों को कि इन चीजों को फॉलो करना। लोग पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, आप भी पता नहीं क्या क्या चीजें अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है, जो बेसिक चीज होती है, उनको नहीं कर पाते हैं। ये वाली बुक्स लगा लूँ, वो वाली लगा लूँ, कौन से कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें होती है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यार मेरे को पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन क्या चीज़ों की मेरे को बेसिक नीड होती है और कौन सी चीज़ें जो मेरे को बहुत शानदार तरीके से करना है। सिंपल अपने दिन भर का शेड्यूल होना चाहिए, सबसे पहले क्लास कर लो, उसके बाद घर आके रिवाइज कर लो, उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर लो। सिंपल चीज़ें, जब ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, उसके बाद आपका रिवाइज भी शानदार हो जाएगा। रिवाइज तो हो ही जाएगा, साथ के साथ आप टेस्ट भी दे लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आप टेस्ट कब नहीं देते। टेस्ट आप उस टाइम नहीं देते जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद तो टेस्ट देने का अपने आप मन करेगा आपका, और आप टेस्ट भी दे पाएंगे ना। तो इन 3-4 चीजों को फॉलो करना यार, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिलेक्शन से जो बाहर होते हैं इन्हीं चीजों से होते हैं। अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रख लेना, दिमाग बिठा लेना। मैं तो कहता हूँ कि लिख के अपने दीवार पे सामने चिपका लो कि भाई मेरे को इन चीज़ों का फॉलो करना है। अगर इन 4 चीज़ों में से आपकी एक भी चीज़ छूट रही है, इसका मतलब है कि सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। फिर अभी बोल रहा हूँ आपसे, ये चीज़ को आप फील भी कर लेते हैं, आपने लास्ट ईयर भी फील किया होगा इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे बात कर लो यार, मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कमेंट कर दिया करो, वहाँ भी मैं आपसे बात करता हूँ ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, तो थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को भी करो यार। आप लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि थोड़ी सी मेरे को अपडेट मिलती रही उन चीज़ों की यार, कि आप लोग भी एक्टिव है चीज़ों में, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना अगर आपके दोस्त हैं तो, क्योंकि जो क्वालिटी की चीज़ें मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।